हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगी कि भूत सच में होते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर आप भी कहोगे सच में भूत होते हैं। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है और विज्ञान इन दोनों चीजों को नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान आकार प्रकार तत्वों का गहन अध्ययन करते हैं, परिणाम मिलने के बाद ही उसे सत्य मानती है। विज्ञान इतनी तरक्की हासिल कर चुकी है कि किसी जिंदा इंसान से उनके आंतरिक भाग जैसे दिल, किडनी, आंख, खून आदि को एक मरे हुए इंसान के शरीर में स्थापित किया जा सकता है। फिर भी उस मरे हुए इंसान को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस मरे हुए शरीर में आत्मा का वास नहीं होती है। इससे यह पता चलता है आत्मा ठोस, द्रव, गैस, प्रकाश में से कोई भी तत्व तो हो सकता है, जिसे विज्ञान आज तक पकड़ नहीं पाया या यूं कहीं खोज नहीं कर पाया। अब आप सभी को बताऊं कि आत्मा का जन्म कैसे कैसे होता है या कैसे होती है। नर और नारी की जब संभोग की क्रिया हो रही होती है, जब अपने चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, तब नारक के द्वारा संभोग की प्रक्रिया के समय वीर्य का जन्म होता है। वही वीर्य आत्मा के साथ नर की योनि से निकल कर नारी की योनि में प्रवेश करके शिशु के अवतार में इस दुनिया में आती है या आता है। फिर अपने औसत जीवन को जीने के बाद मृत्यु को प्राप्त करती है। और विज्ञान कहती है ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका आकार प्रकार बदलती रहती है। ऊर्जा से पैदा वीर्य मानव रूप लेकर बढ़ जाती है, लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ती, जिससे आत्मा भी कहा जा सकता है। और वो ऊर्जा यानी आत्मा भटकते रहती है, जिसे भूत कहते हैं। तो अब आप लोग ही बताएगा भूत होते हैं या नहीं। मैं सही हूँ या गलत, कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।